क्या एक देश और एक सीमा की पहरेदारी एक आत्मा कर सकती है? क्या कोई सैनिक मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? अगर नहीं तो क्यों उनकी मृत्यु के बाद भी उनको सैलरी मिली और साथ ही साथ उनको प्रमोशन भी मिली? भारतीय पुलिस हो या सेना, इन जैसे सतर्क और बेहद संजीदा अमले में अंधविश्वास की कोई जगह नहीं होती। लेकिन ये कहानी है भारतीय सेना के विश्वास की, जो वास्तविक होकर भी अविश्वसनीय है। एक ऐसी सच्ची कहानी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा। एक ऐसा सैनिक जो शहीद होने के बाद भी देश की रक्षा करता हो। हैरान कर देने वाले इंसान का नाम है शहीद हरभजन सिंह जी। शहीद हरभजन सिंह हिंदुस्तान के सच्चे सिपाही थे। उनका जन्म 30 अगस्त 1946 में हुआ और 9 फरवरी 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के पद पर भर्ती हुए। शहीद हरभजन सिंह की मौत 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते वक्त पूर्वी सिक्किम के नथुला पास के पास उनका पांव फिसल जाने से घाटी में गिरने से हुई और पानी का इतना तेज बहाव था कि उनका शरीर बहकर 2 किलोमीटर दूर चला गया। जब वो 3 दिनों तक लापता रहे तो उनके अफसरों ने उन्हें भगोड़ा घोषित कर दिया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि वो अपने एक दोस्त के सपने में आए और उनको अपने शव का ठिकाना बताया। और तो और, सर्च करने वालों को भी शहीद हरभजन सिंह की बॉडी ठीक उसी जगह मिली। कहा जाता है कि शहीद हरभजन सिंह मौत के बाद भी अपनी ड्यूटी निभाते रहे। इंडो चाइना बॉर्डर पर उनकी आत्मा पहरा देती रही। हिंदुस्तानियों के सपने में आकर शहीद हरभजन सिंह दुश्मनों के कई प्लान्स बताते। यहां तक कि रातों को पहरा देने वाले सिपाही अगर पलक झपकाते तो उनको एक जोर सा चांटा महसूस होता, मानो किसी अफसर ने उन्हें चांटे से जगाया हो। दोस्तों, ये भी कहा जाता है कि सपने में ही उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि उनकी समाधि बनाई जाए। उनकी इच्छा का मान रखते हुए आर्मी ने उनकी समाधि से 9 किलोमीटर नीचे एक मंदिर बनवा दिया, जिसे अब बाबा हरभजन मंदिर के नाम से जाना जाता है, जहां आज भी हजारों लोग और भक्त दर्शन करने और राष्ट्रगान गाने आते हैं। उनकी समाधि के बारे में मान्यता है कि यहाँ पानी की बोतल कुछ दिन रखने पर उसमें चमत्कारी गुण आ जाते हैं और इसका 21 दिन सेवन करने से श्रद्धालु अपने रोगों से छुटकारा पा लेते हैं। इसके अलावा बाबा के मंदिर में बाबा के जूते और बाकी सामान भी रखा गया है। भारतीय सेना के जवान बाबा के मंदिर की चौकीदारी करते हैं और रोजाना उनके जूते पॉलिश करते हैं, उनकी वर्दी साफ करते हैं और उनका बिस्तर भी लगाते हैं। वहां तैनात सिपाहियों का कहना है कि साफ किए हुए जूतों पर कीचड़ लगी होती है और उनके बिस्तर पर सिलवटें भी पड़ी होती हैं। बाबा की आत्मा से जुड़ी बातें भारत ही नहीं बल्कि चीन की सेना भी बताती है। चीनी सिपाहियों ने भी उनके घोड़े पर सवार होकर रात में गश्त लगाने की पुष्टि की है। यहां तक कि हरभजन सिंह के शहीद होने के बाद भी आर्मी ने इन्हें प्रमोट किया और इनकी लीव मौत के बाद भी हर साल सैंक्शन होती रही और हर साल 2 फौजी उनका सामान उनके गांव कपूरथला ले जाते हैं। उस दौरान उनका कैंप हाई अलर्ट पर रहता है। यहां तक कि कुछ साल बॉर्डर पर भारी तनाव के समय लीव कैंसिल भी की गई है। भारत और चीन आज भी बाबा हरभजन सिंह के होने पर यकीन करते हैं और इसीलिए दोनों देशों की हर फ्लैग मीटिंग पर एक कुर्सी बाबा हरभजन सिंह जी के नाम की रखी जाती है। दोस्तों, भारतीय सेना और लोगों का ऐसा मानना है कि आज भी बाबा हरभजन सिंह जी की यहाँ सूक्ष्म उपस्थिति है और वह देश की सरहद की रक्षा करते हैं। ना केवल भारतीय सेना बल्कि उनके बारे में जानने वाले हर भारतीय को उन पर गर्व है। दोस्तों, और ऐसे देश की रक्षा करने वाले सैनिकों को मेरा सलाम है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, जो मुझे मोटिवेट करेगी ऐसी और वीडियोस लाने के लिए सिर्फ आपके लिए।